हॉलीवुड की सुपरहिट फ्रेंचाइजी फास्ट एंड फ्यूरियस अपने शानदार एक्शन सीन्स के लिए मशहूर है। गुरुवार को रिलीज हुई फ्रेंचाइजी की 10वीं फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस 10 है, जिसे फास्ट एक्स के नाम से प्रचारित किया गया है। फिल्म के निर्देशक है लुई लेटेरियर, प्रमुख स्टार कास्ट है विन डीजल, जेसन मोमोआ, मिशेल रोड्रिग्स, टायरिस गिब्सन, क्रिस लुडाक्रिस ब्रिज, जॉन सीना, नताली इमानुएल आदि। अपने बेहतरीन एक्शन सीक्वेंस और कार स्टंट सीन्स के लिए मशहूर फ्रेंचाइजी की 10वीं फिल्म में डायरेक्टर लुई लेटेरियर ने बेहतरीन एक्शन परोसा है। फिल्म में शुरुआती सीन्स से लेकर क्लाइमेक्स तक एक्शन के चाहने वालों के लिए भरपूर मसाला है। लेकिन बात अगर कहानी और स्क्रीन प्ले की करें तो वे कई जगह हल्के पड़ जाते हैं। बावजूद इसके एक्शन सीन्स की चाहत रखने वाले इसे भरपूर एंजॉय करते हैं। भारतीय दर्शकों में इस फिल्म के क्रेज का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसे भारत में हॉलीवुड से एक दिन पहले रिलीज किया गया है। हॉलीवुड की दूसरी सुपरहिट फ्रेंचाइजी हॉलीवुड फिल्मों की तरह ही फास्ट एंड फ्यूरियस को लेकर भारत में भी जबरदस्त क्रेज रहा है। साल 2001 में शुरू हुई इस सुपरहिट फ्रेंचाइजी की 10वीं फिल्म रिलीज हुई है और 11वीं फिल्म की घोषणा भी हो चुकी है। फिल्म की कहानी की शुरुआत एक जोरदार एक्शन सीक्वेंस के साथ होती है, जिसमें डोमिनिक टोरेटो विन डीजल ने एक खतरनाक अपराधी सरगना को उसकी सारी दौलत लूटकर मार डाला था। बैकड्रॉप में इसके तार इस फ्रेंचाइजी की पिछली फिल्मों से जुड़े हैं। बहरहाल मौजूदा समय में डोमिनिक अपनी पत्नी लेटी, मिशेल रोड्रिगस, बेटे व अपनी टीम के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहा है। तभी उसकी जिंदगी में एक खतरनाक दुश्मन डांटे रेयेस, जेसन मोमोआ की एंट्री होती है, जो उसे और उसके पूरे परिवार को बर्बाद कर देना चाहता है। दरअसल डांटे उस अपराधी का बेटा है जिसे डोमिनिक ने मार डाला था। अब वो अपने बाप की मौत का बदला डोमिनिक को पूरी तरह खत्म करके लेना चाहता है। बेहद शातिर डांटे इसके लिए खतरनाक जाल बिछाता है। क्या वो अपने मिशन में कामयाब हो पाता है, ये तो आपको फिल्म देखकर ही पता लग पाएगा। विन डीजल बड़े पर्दे पर हमेशा की तरह शानदार लगे हैं, लेकिन अगर यह कहा जाए कि इस बार महफिल एक्वामैन के रूप में दर्शकों के बीच पॉपुलर जेसन मोमोआ ने लूट ली तो गलत नहीं होगा। बेशक विन डीजल एक शानदार हीरो के तौर पर फ्रेंचाइजी में हैं, लेकिन जेसन ने जोरदार विलेन के रूप में समा बांध दिया। फिल्म के बाकी कलाकारों ने भी अच्छी एक्टिंग की है। जेसन स्टैथम और जॉन सीना को फिर से फ्रेंचाइजी की फिल्म में देखना अच्छा लगता है। कुल मिलाकर ये फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी के चाहने वालों के लिए अच्छी फिल्म है। फास्ट एक्स को जो बात सबसे खास बनाती है वो ये कि फिल्म का पूरा एक्शन इमोशंस के साथ आगे बढ़ता है। फिल्म का एक्शन ताबड़तोड़ है और कार से लेकर प्लेन तक के शानदार सीन्स देखने को मिलते हैं। फिल्म में न सिर्फ धमाकेदार एक्शन है, बल्कि जेसन ममोआ का ऑन स्क्रीन क्रेजी अंदाज और फनी डायलॉग्स सोने पे सुहागा का काम करते हैं। जेसन के फिल्म में खतरनाक विलेन होने के बाद भी कॉमेडी का डोज देते रहते हैं, जो वाकई बेहतरीन स्क्रिप्टिंग की मिसाल है। फिल्म को कुछ ऐसे लिखा और दिखाया गया है जिससे आप इसके इमोशंस से जुड़े रहते हैं और एक्शन को भी एंजॉय करते हैं। फिल्म तकनीकी तौर पर भी पास होती है और सिनेमेटोग्राफी से लेकर एडिटिंग, बढ़िया बैकग्राउंड स्कोर और जानदार निर्देशन देखने को मिलता है। फास्ट एक्स को अभी तक की बेस्ट फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी की फिल्म कहना गलत नहीं होगा। इन सभी चीजों के साथ ही साथ जेसन का ड्रेसिंग भी काफी कूल दिखता है, जो उनके किरदार को बूस्ट करने का काम करता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इस फिल्म में सब कुछ सिर्फ अच्छा ही है। फिल्म का एक्शन कई बार ऐसा होता है जिसे देखकर आप सोच में पड़ जाते हैं और लगता है कि ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। इसके साथ ही कुछ हिस्सों में फिल्म काफी बेतुकी लगती है और ऐसा लगता है कि जानबूझकर चीजों को मुश्किल किया जा रहा है। कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि फास्ट एक्स एक ऐसी फिल्म है जिसका एक्शन देखकर आपका दिमाग कहेगा कुछ भी दिखा रहे हैं, ऐसा कहाँ होता है, लेकिन आपका दिल कहेगा कमाल दिखा रहे हैं। तो अगर आपको मसालेदार एक्शन और कार चेस पसंद है तो इस फिल्म को आप देख सकते हैं। वहीं अगर आप फास्ट एंड फ्यूरियस फिल्म फ्रेंचाइजी के फैन हैं तो आपको ये फिल्म बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए।
हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे अन्य वीडियो भी देखें। चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद।